डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं। क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स में अभी जो पढ़ रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो कि ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं और ये चुंबकत्व नामक एक खंड में है, एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पिछले क्लास में क्या पढ़ा था भाई? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र ढेर सारा रहेगा, लेकिन एक चुंबक को वहां पे लटकाया जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, लगने वाला चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके लिए फार्मूला को हम लोगों ने प्रूफ किया था, ठीक है, उस पर एक न्यूमेरिकल्स भी किया था। चलिए आइए आगे हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे टॉपिक्स, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, ये टॉपिक्स है चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? जैसे कि हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव क्या है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर, विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभावों को, विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभावों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये दोनों गुण एक दूसरे से अंतर्बद्ध है। नेक्स्ट एल देंगे, लिखेंगे चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो में चुंबकत्व में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात एकल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव नहीं होते हैं, कॉमा वे हमेशा द्विध्रुव के रूप में ही प्राप्त किए जाते हैं, जिसे
चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है जिसे चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आवेदन लिखेंगे, विद्युत आवेशों की गति, विद्युत आवेशों की गति का मूल कारण, विद्युत आवेशों के गति के मूल कारण, के मूल कारण चुंबकीय प्रभाव ही है। मूल कारण चुंबकीय प्रभाव ही है, चुंबकीय प्रभाव ही है। चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं कि आखिर चुंबकीय द्विध्रुव कहते किसको है। चलिए हम लोग समझते हैं अब जो बात लिखे हुए हैं चुंबकीय द्विध्रुव से रिलेटेड। तो सबसे पहला हम लोग ये लिखें कि कभी भी विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अंतर्बद्ध हैं। अंतर्बद्ध का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन जैसा रहते हैं। यानी कि अगर विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा, क्योंकि ऑस्टर्ड से हमें ये पता चलता है, ऑस्टर्ड के प्रयोग से, कि विद्युतीय क्षेत्र के वजह से ही हमें क्या प्राप्त होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। समझ रहे ना चीजों को। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विद्युतीय क्षेत्र से ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को अलग अलग, सॉरी मतलब दोनों को अलग अलग हाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या है, अंतर्बद्ध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहां पर यही सीखें कि चुंबकीय द्विध्रुव में जो विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव है उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स कि दोनों के प्रभाव को मिश्रित कर दिया जाए तब वो विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। क्यों भाई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो दोनों को जब मिलाया जाए, मिश्रित किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। अब हम लोग रियल मीनिंग आते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या है। दोस्तों आज हम एक ऐसा प्रैक्टिकली करने वाले हैं जो हम लोग को पता चल जाएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या है। द्वि का मतलब होता है दो ध्रुव, किसका भाई, चुंबक का। तो चुंबक का द्विध्रुव का मतलब क्या है, चुंबक का द्विध्रुव का मतलब यही है कि आप कोई सा भी चुंबक लो, ठीक है, कोई सा भी चुंबक लो, और ये जो चुंबक है तो इसका भी तो दो ध्रुव होगा, एक नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, एक साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। दोस्त इसको क्या करना है, आपको टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, मतलब इसको टुकड़ा टुकड़ा इतना में कर दिया, इतना इतना में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, ठीक है, इतना इतना में टुकड़ा ढेर सारा कर दिया। तब आप बोलेंगे कि अच्छा तो इतना इतना सारा टुकड़ा करेंगे तो एगो एस पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप इसको कितना भी पार्ट में तोड़ दो, जितना पार्ट में आप तोड़ेंगे सबका दो ध्रुव ऑटोमेटिक आ जाता है, इसका भी साउथ, इसका भी नॉर्थ, इसका भी मतलब इसका भी दक्षिणी ध्रुव, इसका भी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। यानी कि दोस्तों यहां से हम लोग को समझ आ गया, क्या आ गया, कि कोई सा भी आप चुंबक को अगर कितना भी भाग में बांटेंगे तो सबका दो ही ध्रुव होता है, किसी भी चुंबक का एकल ध्रुव नहीं होता है। एकल मतलब अकेला, केवल एक। तो
तो कभी भी नहीं होता है। किसी भी चुंबक का एकल ध्रुव होता ही नहीं है, एकल ध्रुव होता ही नहीं है। चाहे आप कितना भी बड़ा चुंबक ले लो, चाहे कितना भी आप उस बड़े चुंबक को तोड़ दो और छोटे छोटे रूप में कर दो, फिर भी दोस्तों उसका एकल ध्रुव नहीं होगा। यानी कि चुंबक का एकल ध्रुव हम लोग प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। अतः यहां से ये साबित होता है कि चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव मौजूद होते हैं। इसी को कहा गया चुंबक का द्विध्रुव। ठीक है, चुंबक का द्विध्रुव का मतलब होता है कि चुंबक का दो ध्रुव होता है। फिर हम लोग अगर मेन अगर बात करते हैं तो यहां से ये पता चलता है कि विद्युत आवेश की जो गति होती है ना, विद्युत आवेश की निरंतर गति होती है, उसका एक कारण है, मूल कारण चुंबकीय प्रभाव भी है। यानी कि हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि चुंबकीय प्रभाव की वजह से विद्युत आवेशों में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेशों में जो गति पाई जाती है उसका मूल कारण क्या है, तो चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के कारण ही आवेश जो है गतिशील होता है। ठीक है, आवेश गतिशील होता है। तो यहां पे हम लोगों ने चुंबकीय द्विध्रुव को पढ़ा। फिर अगले टॉपिक्स पे आते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, टॉपिक बनाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेप में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ये टॉपिक्स लेंगे। टॉपिक्स क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेप में किया गया कार्य। यानी कि इसका मतलब समझिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और उसमें एक चुंबक को रखा गया है। तो चुंबक को रखा गया है तो उसमें विक्षेप होगा। जैसे मान लिया कि एक चुंबक को रखेंगे तो इसमें विक्षेप होगा ना थोड़ा सा, तो ये विक्षेप होने में कितना कार्य उसको करना पड़ेगा। विक्षेप का मतलब अपनी स्थिति में चेंज, अपनी स्थिति में बदलाव। अगर वो अपनी स्थिति में बदलाव करता है तो कुल वर्क डन, कुल कार्य कितना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए, लिखेंगे, माना कि एक एक एनएस चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण एम है, छोटा एम का द्विध्रुव आघूर्ण छोटा एम है और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में 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 स्वतंत्र रूप से निलंबित है, स्वतंत्र रूप से निलंबित है यदि
यदि चुंबक के विक्षेप की दिशा से यदि चुंबक के विक्षेप दिशा से फाई कोण बनाती हो तो फाई, देखिए ये फाई कहलाता है, थीटा का मतलब ये हुआ थीटा, ऐसे करके अगर बीच में अगर ऐसे कर देते हैं ये थीटा होता है, लेकिन बीच में ऐसे करके और ऊपर से खींचते हैं तब ये कहलाता है हम लोग का फाई। तो लिखे क्या लिखे, फाई कोण हो तो फाई कोण हो तो हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है, हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है। चलिए तो इस बार हम लोग सिचुएशन देखेंगे कि सिचुएशंस कैसा है। तो दोस्तों यहां पे हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जरा फिगर से देखिएगा, एक समान ऐसा बहुत सारा क्षेत्र मौजूद है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा आगे भी है पीछे भी है, सब समान दूरी पर है, जिसको हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब इसको हम लोग डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, ये डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, मतलब कि और भी बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र है, हालांकि सबको डॉट डॉट से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मेरा फिगर जो है वो क्लियर कट बने, ठीक है, किस एक चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि एक चुंबक को रखा गया है इस तरीके से, ये एक चुंबक है, ठीक है, और इस चुंबक का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमेशा कितना डिग्री पे विक्षेप कर रहा है, ये फाई पे, यानी कि एक चुंबक है और जो चुंबकीय क्षेत्र, ये तो बी है ना, बी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, फाई से ये रिलेटेड है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इसमें जो फोर्स लगता है दो तरीके का फोर्स लगता है, एक नीचे की ओर पीवी बल लगता है और इसमें जो है ऊपर की ओर फोर्स लगता है जिसको हम लोग पीवी बोलते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है इसमें अगर थोड़ा सा अगर विक्षेप का बात करें, यानी कि यहां है इस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर गया, इसका मतलब कि इस पोजीशन तक के जो विक्षेप होगा उस विक्षेप को हम लोग बोल सकते हैं डी फाई, यानी कि थोड़ा सा अगर विक्षेप होगा तो थोड़ा सा हम लोगों का कोण भी बदलेगा, दैट मीन्स डी फाई, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें थोड़ा सा जब विक्षेप हुआ तो थोड़ा सा कार्य भी करना पड़ेगा, मतलब कि डी डब्ल्यू बराबर कितना, डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण गुना में विक्षेप। तो आप बताइए कि छोटा सा विक्षेप हो रहा है, यानी कि विक्षेपण इसका थोड़ा सा हो रहा है, पूरा फाई का कोण था लेकिन थोड़ा सा हिला, उसको हम लोग डी फाई बोल दिए। तो विक्षेपण अभी फिलहाल कितना हुआ है, छोटा सा विक्षेप हुआ है जिसको डी फाई बोल रहे हैं, तो छोटा सा कार्य भी करना पड़ेगा, यानी कि डी डब्ल्यू। अब बल आघूर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, टाउ से, इंटू विक्षेप यहां कितना है डी फाई विक्षेप है। अब यहां बात करें हम लोग तो टॉर्क का फार्मूला कितना है, टाउ का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, एम बी साइन थीटा इंटू डी फाई, ठीक है। तो इसलिए अगर बात किया जाए तो डी डब्ल्यू का फार्मूला हो गया एम बी साइन थीटा, सॉरी यहां साइन थीटा है ना,
तो थीटा तो एंगल है नहीं यहाँ पे, हम यहाँ तो एंगल फाई है, तो यहाँ पे थीटा नहीं रखेंगे, यहाँ पे फाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, क्योंकि यहाँ वहां पे थीटा था तो थीटा लिए थे, यहाँ पे फाई था तो टॉर्क यहाँ क्या रहेगा, एम बी साइन फाई, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन फाई डी फाई। दोस्तों आप चीजों को समझें, तो डी डब्ल्यू है यानी कि छोटा सा कार्य है, तो छोटा सा कार्य को अगर हमको डब्ल्यू प्राप्त करना है, कार्य प्राप्त करना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन, तो उसके नीचे लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो दोनों तरफ दोस्तों समाकलन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहां पे लिख देते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन फाई डी फाई, ठीक है, ये चीजें मिलेगा। फिर से ऊपर से मिटाते हैं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो फिर हम लोगों को काम करना होगा, और काम कैसे करना होगा देखते हैं, यहां तक तो ठीक है। चलिए फिर से ऊपर से डी डब्ल्यू, दोस्तों हम पहले सीखे हुए हैं कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो x होता है, तो यहां dw है तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, dw का इंटीग्रेशन सिर्फ w होगा, और m और b कांस्टेंट है तो m और b बाहर निकाल देंगे, तो क्या बच रहा है अंदर, अंदर बच रहा है साइन फाई डी फाई, ठीक है, तो यहां पे हो रहा है w इज इक्वल टू एम बी साइन का डिफरेंशिएशन। देखो भाई जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखे है ना, वैसे ही साइन डीएक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन डीएक्स का फॉर्मूला होता है, यानी कि जैसे डिफरेंशिएशन का हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, वैसे ही हम लोगों का यहाँ फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, यहां होता है माइनस कॉस एक्स, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहां पे साइन फाई का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, तो माइनस कॉस फाई, माइनस कॉस फाई। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो हम लोगों का इंटीग्रेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कॉस फाई। अच्छा कोस फाई में अगर बात करें तो अगर मान लिया कि इसका जो थीटा एंगल है वो यहां पे दिखा रहे हैं हम लोग, यहां पे जो हम लोगों का लिमिट है वो जीरो से सपोज दैट थीटा लिमिट यूज करता है, यानी कि देखिए कुछ कुछ चीजों का ना हम लोगों को याद भी करना पड़ता है कि हम लोगों का यहाँ लिमिट कितना रखना है, तो इस केस में हम लोग लिमिट कितना रखते हैं याद रखिएगा, जीरो से थीटा। यहां पे हम लोगों को क्या मिल गया, W इज इक्वल टू एम बी ब्रैकेट, एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो यहां पे अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा, फिर करते हैं माइनस, ठीक है, फिर करते हैं माइनस और फॉर्मूला में, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट माइनस कॉस जीरो डिग्री, ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को क्या मिल गया, एम बी ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो का कॉस जीरो डिग्री, ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तो यहां मिल रहा है एम बी ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा और कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन। तो दोस्तों आज से हमको पता चल गया कि कुल वर्क कितना होगा, तो W बराबर एम बी ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देखो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है और यही चीजें हम लोगों को प्रूफ हो रहा है, प्रूफ यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेप में किया गया कार्य कितना होता है, तो एम बी वन माइनस कॉस थीटा।
थीटा का मतलब एंगल, एम का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, और जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, और डब्ल्यू का मतलब वर्क, कार्य सिंपल वे में। तो कुल मिलाकर डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला हुआ, एम बी ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं। लिखा जाए, यदि किसी चुंबक को 2×10 के पावर माइनस 4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 2×10 के पावर माइनस 4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यदि इस चुंबक का विक्षेप 60 डिग्री का हो तो कुल कार्य ज्ञात करें, यदि द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया है उस सभी सवालों का हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। दोस्त यहाँ पे बोल रहा है कि एक चुंबक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना है, तो 2×10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, 2×10⁻⁴ टेस्ला। लेकिन उस चुंबक का जो विक्षेप हो रहा है यानी मुड़ रहा है, वो उसमें विक्षेप आ रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और जहां तक सवाल है उसका चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m का वैल्यू, तो 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, तब आपको किया गया कार्य बताना है यानी कि W का वैल्यू बताना है। तो आप इन चीजों को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अ सिंपल। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबक को एक चुंबक को 2.5×10 के पावर 3 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यदि इसमें विक्षेप 90 डिग्री का हो तो यदि इसमें विक्षेप 90 यानी कि 90 डिग्री का हो तो इस चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, यदि चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य फाइव इंटू टेन के पावर माइनस टू जूल है। वर्क मतलब कार्य, और कार्य का ऐसे मात्र क्या होता है, जूल। तो दोस्तों ये जो दूसरा क्वेश्चन है, आप इस दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, सब चीज का वैल्यू दिया है, हमें इस बार द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है।
यानी कि m का वैल्यू निकालना है। कब? जब यहाँ पे b का वैल्यू दिया है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में दिया हुआ है, एंगल दिया है यानी कि विक्षेप कितना पे हो रहा है, फिर बात बता दे कि कार्य भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमें कुछ चीजें दी गई हैं, इसमें हम लोग को द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो आप जरूर से ट्राई करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, आप बनाकर हमें जरूर सेंड करेंगे। तो इसी पूर्ण विश्वास के साथ आज के क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ, नई चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।